उस अगला देश ही छाएगा। भाई भूपचंद द्विवेदी अलबेला जी बहुत अच्छा काव्य पाठ कहते हैं। हम चार पंक्ति पढ़े चाहे थे सम्मान में शिवानंद द्विवेदी भैया जी के सम्मान में, क्यों इतने बढ़िया कलाकार का यहाँ पर बुलाई कविता आया। जब कोई हृदय विदेन हुआ तब कोई कल्पना व्यास हुई, जब कोई हृदय विदेन हुआ तब कोई कल्पना व्यास हुई, और जिसने रखा का विरसा वो कविता तुलसीदास हुई, वो कविता तुलसीदास हुई। तो कविता कविता प्रिया की बेटी है, कोई किसको जान नहीं पाया, और बेकफन निराला चला गया, ये जग पहचान नहीं पाया, ये जग पहचान नहीं पाया। तो आत्मा के सौंदर्य का सब रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य। आदरणीय बड़े भैया शिवानंद द्विवेदी जी के आदेश पर इस धरती के कुछ सौभाग्यशाली व्यक्ति हनुमान जी के इस मंदिर पर उनके सामने नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं शिवानंद भैया जी के सम्मान में चार पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ कि नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए अब घर की छत पर पानी कौन रखता है, और शिवानंद भैया आप जैसे लोगों ने संभाल कर रखी है विरासत, वरना इतने सलीकों से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, वरना इतने सलीकों से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। और आइए जैसा कि मैंने कहा था इस कार्यक्रम का समापन होगा तो अंश मिश्रा पर्व के गीतों से होगा। चलिए ठीक है, राजदादा का आदेश हुआ है, दो चार मिनट आप भी कुछ पढ़ दीजिए। तो मैं ज्यादा कुछ पढ़ूंगा नहीं, केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से। कभी हिंदुस्तान में हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पहेली में केवल चार डायरी लिखे, जब कुछ लोग चिल्लाने कुछ घोटाला था कुछ घपला था, धन केवल चार लाइन के। कुछ लोग कहा था एसपी खराब है, कुछ लोग कहा था एसपी खराब है, कुछ लोग कहा था डीएम खराब है, कुछ लोग कहा था सीएम खराब है, कुछ लोग कहा था पीएम खराब है, और सवा सौ करोड़ हिंदुस्तान वासी धरते हुस के कांग्रेस से चिल्ला था कि ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। लोग कहेंगे ईवीएम ईवीएम में छेड़छाड़ है, हम कहने यार इतना धरती से जुड़ा है आदमी बेचारा है अपन प्रधानमंत्रियों के ऊपर या लाछन बनावे की ईवीएम में घपला घोटाला करे कहीं कैसा, तब हम चार गाड़ी और ऐसा बात थी। चलिए कोनो बात नहीं, एक निवेदन और दूसरी पंक्ति से, जैसे लड़कन के बात है कि अम्मा बाबू खेत निरामय खुरपी लै दुपहरिया में, अम्मा बाबू खेत निरामय खुरपी लै दुपहरिया में, दादू घर से पढ़ाई का गाजा सोते बैठा हरिया, बुढ़ाऊ परे बुखार मा ओढ़े चदरा फाट, बुढ़ाऊ परे बुखार मा ओढ़े चदरा फाट, पुताऊ ठाल बाजार मा छाने समोसा चार। देश के अंदर तरह तरह की विसंगत कहें, पाकिस्तान पर कहें, हम पाकिस्तान पर कौन बातें ही कहें चाहे तू चौधरी के देश पाकिस्तान पर काहे का लोग हुई कि वह अपन पीर करे हमें अपन होली, वह अपन पीर करे हमें अपन होली, ना वह हमसे बोले ना हम उसे बोली। और पाकिस्तान के काहे की टेंशन के मस्जिद में घंटी बजे मंदिर हो आजाद, मस्जिद में घंटी बजे मंदिर हो आजाद, ऐसा चाहिए थे हम आपन हिंदुस्तान, ऐसा चाहिए थे हम आपन हिंदुस्तान। एक बार पर मर्यादा और सम्मान के साथ एक क्षण विशेष निवेदन करना चाहता हूँ। दिसंबर 2012 में दिल्ली में दामिनी के साथ जो कुछ हुआ, हमारे हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा अपराध, उसे इतनी बड़ा कहा तक पेश किया गया कि जो देश के हमारे देश प्राण नहीं खाते थे उन्होंने चरित्र पर उंगली उठा दी कि पांच वर्षों ने हिंदुस्तान का चरित्र साफ कर दिया।
मैं कहता हूँ पांच पठंतर मेरे हिंदुस्तान का चित्र नहीं साफ कर सकते। आप कामनी कांड के साथ जंतर मंतर पर 2 लाख युवा लड़कों की भीड़ देखे थे जो हाथ में जलते हुए मोमबत्ती लेकर कामनी के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। वो हमारा सच्चा हिंदुस्तान है, वो हमारा वास्तविक हिंदुस्तान है और हम उस देश के युवा है। मैं छंद विशेष निवेदित करता हूँ, मैं कामनी के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? मेरा तर्क सुनिएगा कि फांसी वाले फंदे सिर पे मानवों को सोचते हैं, दानवों को देगा रे हराम में मत कीजिए। कि फांसी वाले फंदे सिर पे मानवों को सोचते हैं, दानवों को देगा रे हराम में मत कीजिए। और रो पड़ेंगे रूहे, रो पड़ेंगे रूहे राजी गुरु भगत सिंह के सुख दे उस के वो काम मत कीजिए। कि दानवों के हजारों को मारे झूठियों से दामिनी के हजारों को मारे ज्योतियों से आरा जब तक न मारे वो आराम मत कीजिए। और ज्योतियों से न मारे तो मारो पत्थरों से किंतु फांसी वाला फंदा बदे नाम मत कीजिए। फांसी वाला फंदा बदे नाम मत कीजिए। एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और मुझे एक बार आवाज देता हूँ अपने बड़े लाले मधुर कंठ के धनी गीतकार जिसे आप सब सुनने के लिए लालायित हैं और मैं चार पंक्तियों के साथ आज इस पर माइक पर बुलाता हूँ। परिंदों की परवाज होती है ऊंची, परिंदों की परवाज होती है ऊंची, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप सबके फरमाइश है उपस्थित हुए हैं, लेकिन हमारे खंड का एक बड़ा नाम है, बड़े भयंकार बड़े बड़े संचालक उमेश मिश्रा बिहार जी हैं। मैं आप सबकी पुरजोर के अनुरोध साथ में माइक पर आमंत्रित करता हूँ उमेश मिश्रा बिहार जी। हम भैया न कभी न दंगे का कुछ नहीं, निर्मल जी का भी